तो दोस्तों हम बात करते हैं इस ट्रेनिंग के पार्ट टू और स्टेप थ्री में। तो दोस्तों जो सबसे आप देख रहे होंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग। इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, जैसा कि अभी आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि आपने मेगा लिस्ट तैयार करी, लोगों की लिस्ट बनाई और अब जाहिर सी बात है उनको बताना। और कहीं ना कहीं देखा होगा आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या हमारी टीम के अंदर 98% लोग जो कि इस बिजनेस में घबराते हैं वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि अब आता है असली पड़ाव इस बिजनेस में काम करने का। क्योंकि अभी तक उसने ड्रीम लिस्ट बनाई, उसको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो डायरी पे बनाई, मेकर लिस्ट तैयार करी उन्होंने डायरी में तैयार करी। अब मेन चीज आती है लोगों तक पहुंचना, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को बताना। और सबसे ज्यादा घबराहट यहाँ होती है क्योंकि हमको पता नहीं होते वो सही तरीके लोगों तक हमको अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे बतानी है, कैसे पहुंचानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स में और वो स्टेप्स आपको क्लियर करेंगे कि इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन की। ऑफलाइन मतलब आप प्रैक्टिकल रूप से मिलना। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके के लोग हैं मार्केट में। एक जो पहला तरीका है वो है वॉर्म, ये वॉर्म मार्केट होती है। वॉर्म मार्केटिंग का मतलब होता है जो कि हमारे जान पहचान के लोग हैं। और दूसरा है कोल्ड मार्केट, कोल्ड मार्केट का मतलब होता है जो अनजान लोग हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हम या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर वो जाते हैं सबसे पहले वॉर्म मार्केट की तरफ, जान पहचान के लोगों की तरफ, क्योंकि हर इंसान को भरोसा होता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी मेरे जान पहचान के दोस्त हैं वो इस बिजनेस में सबसे पहले आएंगे। मगर दोस्तों क्या होता है कि हमको सही तरीका नहीं मालूम होता है, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले इस बिजनेस में अगेंस्ट वही होते हैं हमारे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉर्म मार्केट में लोगों को कैसे बताएं, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको कैसे बताएं। तो सबसे पहले बताने से पहले हमको तरीका पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि हमको कैसे बताना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको बात कैसे शुरू करनी है और कैसे उसको क्लोजिंग तक, मतलब कैसे उसका मीटिंग का फिक्स टाइम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे जर्नल टॉक, फिर आता है एप्रिशिएट, फिर उसके बाद आती है एनी अप्रोच जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आती है फिक्स मीटिंग विद टाइम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जर्नल टॉक। जैसे कि आपने देखा होगा हम किसी से भी बात करते हैं, दिक्कत ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आए और हमारे आने के बाद हमको ये पता है कि अब उससे बात करनी है, तो हम क्या करते हैं जर्नल टॉक, मतलब सामान्य बातें नहीं करते, उसके काम के बारे में नहीं पूछते, उसके घर के बारे में नहीं पूछते, उसके बारे में नहीं पूछते और हम सीधा अप्रोच कर देते हैं। और अप्रोच करने के बाद हमें पता चलता है वो इंसान हॉस्पिटल में था। और उसके बाद क्या होता है हमारी अप्रोच खराब हो जाती है या हम वो हमारी बात सुन तो लेता है बट समझता नहीं, फिर हमको लगता है और हम अपने अपलाइन से शिकायत करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं रिप्लाई कोई नहीं दे रहा। तो यही कारण होता है क्योंकि हम बिना स्टेप बाय स्टेप और सामने वाले को अप्रोच देते हैं और वो क्या होता है कि धीरे धीरे रिजल्ट आना कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम जर्नल टॉक के बारे में बात करेंगे। जर्नल टॉक में आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले उसके बारे में पूछना है, फिर उसके परिवार के बारे में पूछना है कि सारी चीज सारे लोग ठीक ठाक हैं, फिर उसके काम धंधे के बारे में पूछना है कि उसका काम धंधा कैसा चल रहा है। और इसके बीच में आपको बोलना कुछ नहीं है, पहले आपको सुनना है क्योंकि असली नेटवर्कर या असली लीडर वही होता है जो कि सुनने की क्षमता और सुनने की योग्यता रखता है। तो आपको सुनने का काम करना, बीच में कुछ नहीं बोलना और बोलना है तो उसी के मुताबिक बोलना है जो वो सुनना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब वो बातें करेगा तो आपको उसमें से कुछ अच्छी चीजें नजर आएंगी। अगर आपको नहीं आती तो ये नजरिए का खेल है दोस्तों, आपको नजर आनी चाहिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। तारीफ बहुत जरूरी है करना किसी भी इंसान के, और तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। जब आप तारीफ करेंगे उसके बाद की बातें वो आपके आराम से सुनेगा, हो सकता है उसके अंदर आपको कोई भी क्वालिटी दिखती है। तो पहले जर्नल टॉक, एप्रिशिएट, फिर अप्रोच। तो दोस्तों बात करते हैं अप्रोच की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे बताना। सीधे सीधे बताने का मेरा तात्पर्य यह है जैसे एक छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको सिखाई नहीं जाती प्रोस्पेक्टिंग, ना उसकी मदर सिखाती है, ना उसके फादर सिखाते हैं, ना ही उसके रिलेटिव में, ना ही उसके स्कूल में कहीं सिखाई जाती है कि बेटा आपका बर्थडे और आपको इनवाइट करना है। वो दिल से इनवाइट करता है और वो सीधे सीधे बताता है कि मेरा बर्थडे शाम को 6 बजे और आपको आना है।
तो दोस्तों ये अप्रोच किसमें यूज होगी, ये अप्रोच यूज होगी आपके रिश्तेदार, जो कि आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, जो आपके हम उम्र के इंसान हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और हो सकता है वो पड़ोसी हो सकता है, और जो और भी आदि लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे अप्रोच होगी, सीधा सीधा आपको बोलना है कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आपने जर्नल टॉपिक अप्रिशिएट करा, उसके बाद अप्रोच मारने आपको। सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने अपने दोस्त को, मान लेते हैं आपने अपने दोस्त को अप्रोच करना, तो सीधे सीधे आपने बोला कि रोहन मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है, मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक ऐसे शख्स से मिलवाया था, उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया था, और संडे को हमको 11 बजे ऐसी ऐसी जगह पर चलना है। तो दोस्तों क्या होगा, वो दोस्त है आपका। अगर हम घुमा फिरा के बात करेंगे, या अगर आप अभी तक तू तू करके बात करते थे और अभी तक एकदम से आप करके बात करेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको दाल में काला नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल अप्रोच करने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं सीधे सीधे अप्रोच करना। ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बतानी है, और उसको बिल्कुल ऐसे बतानी है जैसे कि आपका बर्थडे और आपको बुलाना है। मानते हैं कि हो सकता है उसके पास टाइम ना हो सकता है उसकी कहीं और मीटिंग फिक्स हो, मगर ऐसे शख्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे शख्स को आप, मतलब ये आपके दोस्त हो सकते हैं, तो ऐसे शख्स के आप साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त हैं, कलीग्स। तो दोस्तों बात करते हैं हम दूसरी अप्रोच की। दूसरी अप्रोच का नाम है ज़िगज़ैग प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों ये हमेशा से आपकी टीम में आपको भी फील होता होगा, यार जो मेरे से उम्र में बड़ा है, या जो मेरे से एक्सपीरियंस में बड़ा है, या जो मेरे से ज्ञान में बड़ा है, या जो मेरे टीचर है, या जो मेरे मामा जी है, वो बहुत, मतलब हमारे एरिया के प्रधान है, मगर ऐसे लोगों को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जान पहचान के लोग बहुत होते हैं, और ऐसे लोगों के पास जो आना जाना लोगों का हमेशा लगा रहता है, और हमारे माइंड में एक चीज हमेशा ऐसे रहती है कि अगर ऐसा इंसान अगर हमारी टीम में आ गया, तो हमारा जो सक्सेस है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। मगर एक क्वेश्चन हमेशा इसे रहता है, ऐसे लोग आएंगे कैसे, शायद आपके भी मन में क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों चिंता मत करिए, आज हम इस प्रोस्पेक्टिंग को क्लियर करते हैं कि कैसे ऐसे लोगों को लाते हैं। इसको कहते हैं घुमा फिरा के। जिगज़ैग का मतलब होता है घुमा फिरा के, आप कहना वही बात चाहते हैं मगर घुमा फिरा के। तो दोस्तों ये जो अप्रोच होती है हमसे ज्यादा लोगों में, जैसा मैंने बताया, हमसे ज्ञान में ज्यादा, पैसों में ज्यादा, एक्सपीरियंस में ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर है, और टीचर ने जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमने जर्नल टॉप बात करी, फिर उनके हमने अप्रिशिएट करा कि कहां, जहां पर, क्या पता हो सकता है आपको उनको पढ़ाना अच्छा लगता हो, हो सकता है उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता हो, और हो सकता है वो सारे टीचरों में एक हटके पर्सनैलिटी दिखते हो, तो कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों, सच्ची तारीफ करनी। तारीफ वही होती है जो सच्ची होती है, झूठी तारीफ को चापलूसी कहते हैं। तो दोस्तों आपको तारीफ करनी है, फिर उसके बाद हम ज़िगज़ैग अप्रोच मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे टीचर है, हमने क्या बोला कि टीचर की तारीफ करी, और उसके बाद हमने बोला शायद सर, शायद आप जानते होंगे एक हमारी क्लास में राहुल था, और राहुल ने मेरे को एक फ्रेंड से मिलवाया था, और वो जो फ्रेंड था, उसका जो फ्रेंड है, आज उसने मेरे को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और उस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को बताया, तो जाहिर सी बात है मैं कोई भी बड़े बड़े फैसले अकेले नहीं लेता, और मुझे पता है आपसे अच्छा और आपसे ज्ञानी इंसान मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करूं, और आप बताएंगे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि करना चाहिए, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे आगे काम करूंगा, उस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो जब हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों, आपको हमेशा से ये पता है कि जो हमसे बड़े हैं या जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनको एक चीज हमेशा से पसंद आती है कि कोई उनसे सलाह ले। कोई उनको सलाह देगा तो उनको रास नहीं आएगा, मगर कोई उनसे सलाह लेगा तो उनको हमेशा से अच्छा लगेगा। इस अप्रोच में आपने क्या करा, आपने अपने बिजनेस को और अपनी अपॉर्चुनिटी को उनको बताया नहीं, बल्कि उनको ये बताया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ताकि वो हमको समय दे। जाहिर सी बात है, जब वो समय देंगे, तो जाहिर सी बात है आप अपने अपलाइन के साथ या उनको अकेले बैठ के अपने बिजनेस और अपनी अपॉर्चुनिटी को बता सकते हैं। हो सकता है आपके मामा जी हो, सेम एज इट इज आपको यही अप्रोच उनके सामने भी मारनी है कि आप उनसे सलाह लें, ना कि उनको सलाह दें। तीसरी अप्रोच की बात करते हैं, बूमरैंग अप्रोच। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ दिमाग से खेलना। दिमाग से खेलने का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे, सामने वाला यूं बोलेगा मेरे को प्लान दो, सामने वाला बोलेगा मेरे को प्रेजेंटेशन दो, दोस्तों कैसा रहेगा, वेरी गुड।
तो दोस्तों ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आप किसी को भी मार सकते हैं या किसी के भी साथ आप अगर इस अप्रोच का यूज करेंगे तो सामने वाले यही बोलेगा कि मेरे को प्लान दिखाओ। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जर्नल टॉक करनी है, क्योंकि अनजान इंसान से बिल्कुल आप एकदम नहीं कर सकते, या कोई भी जान पहचान है आप एकदम से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको दाल में काला नजर आएगा। सबसे पहले जर्नल टॉक, अप्रिशिएट, उसके बाद अप्रोच आपको यह मारनी है, अप्रोच ये मारनी है बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब होता है दिमाग से करना। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये अप्रोच आप कहीं पे भी मारेंगे सामने वाला बोलेगा प्लान दो। ये कैसे मारनी है, सपोज करो आपके एक फ्रेंड है, बहुत पहले मिला था, ट्वेल्थ में था, और ट्वेल्थ के बाद आप दोनों बिछड़ गए हो, और उसके बाद आपने जर्नल टॉक करी, जर्नल टॉक करने के बाद आपने अप्रिशिएट करा, उसके बाद उससे बोलना है राहुल क्या आपके पास 10 ऐसे लोगों के नंबर हैं, क्या 10 ऐसे लोगों से मेरे को कनेक्ट करवा सकते हो जो डेली का 2 घंटे काम करके महीने के 15,000 रुपए पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं। तो वो बोलेगा यह दुनिया की छोड़ पहले मेरे को बता दे कर है क्या, क्योंकि मेरे भी घर में दिक्कत चल रही है, मेरी भी लाइफ में दिक्कत चल रही है। तो जाहिर सी बात है आप बताना उसी को चाहते थे मगर थर्ड पार्टी के थ्रू, और वो ऐसा बोलेगा तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, मीटिंग का टाइमिंग फिक्स करनी है। दोस्तों इसमें मैं आपको जरा गौर दिलाना चाहता हूँ, या आपका फोकस दिलाना चाहता हूँ, मीटिंग का टाइम फिक्स करते वक्त हम क्या करते हैं, 2 गलतियां करते हैं। पहली चीज हम गलती करते हैं कि हम उससे पूछते हैं आपके पास कब है टाइम। जाहिर सी बात है इंसान के पास जिंदगी में ना था ना है और ना ही होगा टाइम। आपको क्या करना है, आपको सर्टेन देना है कि इस हफ्ते आपके पास टाइम कब है। जब आप ये बोलेंगे कि इस हफ्ते मेरे पास समय कब है तो वो आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताएगा, फिर आप सुबह या शाम एक एडजस्ट करेंगे, फिर शाम को 5 बजे या 7 बजे जो भी है कि आप स्पेसिफिक डालेंगे तब जाके उसको मीटिंग फिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।